हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट एक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी तो मोबाइल यूज़ करते होंगे, लेकिन आपको पता है गर्मियों के टाइम मोबाइल का बैटरी ज़्यादा ड्रेन होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सुबह चार्ज करके ले जाते होंगे, शाम को ऑफिस से लौटते वक्त आपका मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो जाता होगा। लेकिन आप ये प्रॉब्लम ठंडी में या फिर बारिश में नहीं देखते होंगे, क्योंकि जब मोबाइल प्रोसेस कुछ करता है या फिर कुछ एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है तो उससे पावर लगती है। अगर जितना ज़्यादा गर्म होगा आपका मोबाइल या फिर एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा गर्म होगा, उतना ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम से निजात पाना है या फिर जूझना को आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म करना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। इसके अंदर मैं आपको ऐसा एक काफ़ी अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ या फिर काफ़ी अच्छा एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके बैटरी को गर्मियों के दिन ऑप्टिमाइज़ करेगा और लेस बैटरी खर्चा करेगा। मतलब आपके मोबाइल के एप्लीकेशन तो चलते रहेंगे जैसा पहले चलते थे, लेकिन कम बैटरी ख़त्म होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि रोज़ाना इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद पावर सेविंग मोड 4000 mAh मोबाइल, ये नाम थोड़ा कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी ऐप से, क्योंकि ये बैटरी सेव करने में काफ़ी अच्छा, 4.3 रेटिंग भी देख पा रहे हो, कितनी अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है। ये जो ऐप है आपकी बैटरी का, मतलब मोबाइल के बैटरी को सेव करने में काफ़ी मदद करेगी आप। सो एक बार डाउनलोड कर लिया, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया, जाकर उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड हो जाए तो इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर कुछ ऐसा सेटिंग करने पड़ेंगे जो आपके मोबाइल को बैटरी बचाने में ये मदद करेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो फाउंड MB स्टोरेज, ये सब कितना स्टोरेज अभी मेरे मोबाइल में फिलहाल है, ये उसको सर्च कर रहा है या फिर ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। अब यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए 41 रनिंग प्रोसेसेस, मतलब 72 MB ये खा रहा है, मतलब 41 एप्लीकेशन जो है मेरे पीछे रन हो रहे हैं। एंड 70% रैम यूजर्स, मतलब 2.7 मेरा अभी, मतलब 3 GB का रैम है, तो उसमें से 7.57 MB यूज़ हो चुका है। सो अब यहाँ पर ऑप्टिमाइज है उसे क्लिक कर लेना है। ऑप्टिमाइज पर क्लिक करने के बाद ये स्कैनिंग करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑप्टिमाइजिंग, धीरे 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 ऑप्टिमाइज करने के बाद ये ऐड आता है, क्योंकि फ्री का एप्लीकेशन है तो ऐड आएगा ही। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्टिमाइज है, फिर आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज पर क्लिक कर लिया, फोन इज़ ऑलरेडी ऑप्टिमाइज, मतलब फ़ोन ऑप्टिमाइज हो चुका है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन है, यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल मोड पे 7 घंटा चलने वाला है। अगर यूटिलाइजिंग पावर सेविंग मोड पे मैं क्लिक कर दूँ तो 11 घंटे चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं एक्सट्रीम पावर सेविंग मोड पे क्लिक कर दूँ तो 28 घंटे चलेगा अभी मेरे जितने पास बैटरी है। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हो यहाँ पर कितना चौंकने का जैसा है। यहाँ पर आप मतलब एक्सट्रीम पे अगर क्लिक कर देते हो तो 28 घंटे तक आपका मोबाइल का बैटरी चलने लायक हो जाएगा। अब हम क्लिक कर लेते हैं एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्सट्रीम पावर सेविंग, मतलब यहाँ सब आप देखिए जितना भी यहाँ पर सब आ रहा है सब आपको करना पड़ेगा क्लोज। जैसे ही आप अप्लाई कर लोगे तो आपका 56%, जैसे आप देख पा रहे हो कोने में, आपका बैटरी कम से कम 21 घंटे तक चलेगा 56 चार्ज में। सो दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा? अगर आपके फायदेमंद रहा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। मैं कृष्ण कुमार आपको मिलता हूँ और एक एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।